एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक सोमवार को पुलिस लाइन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह सहित विभिन्न व्यापार प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि और व्यापारी नेता मौजूद रहे। बैठक में व्यापारियों की सुरक्षा, पार्किंग की व्यवस्था, यातायात सहित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर एसपी क्राइम और सीओ क्राइम ने व्यापारियों की एक एक समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए उसके निस्तारण का आश्वासन दिया तथा अपने अपने क्षेत्र में पुलिस और व्यापारियों के बीच बैठक कराकर उसके निस्तारण की बात कही। मेरी जिम्मेदारी है कि व्यक्तिगत तौर पे एएसपी साहब आए हैं, आईपीएस है, वहां उनसे बात करके थाना अध्यक्ष के स्तर पे मीटिंग वहां हो जाए। अगली बार मैंने सुना चाहता कि आप उसको एकदम बताएं, मैं खुद लेकर नंबर दो लिखिएगा। अभी जो पीपीगंज में जो प्राची के पास की समस्या है, वहां पर उतना तीन तीन दिनों में गया स्वयं, मतलब ये नहीं कि मैंने कह दिया एंटी रोमियो कैंडी में पहुंच गई। दर्ज की गई है, इसका क्या क्या इसमें पहले मालूम कर लीजिएगा, ठीक है? ऐसा ना हो कि इसका अनावरण भी हो गया और जानकारी भी ना हो। मालूम करा एएसपी साहब को पहले भेज दीजिएगा, कल ये पत्र चला जाए सीओ कैंपियरगंज साहब को एसपी क्राइम साहब के द्वारा कि इन इन व्यक्तियों द्वारा ये समस्या बीपीगंज की मतलब विशेष कर उठाई गई, ठीक? और फिर मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर वार्ता करके वहाँ बीपीगंज पे एक व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मीटिंग करवा, उसमें ये बिंदु अपने आप आ जाएगा। थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी अभी देखिएगा, उस देखते हैं जो बुरा रोड चौराहे से सटा होने का आज भी जाम लगा रहा है तथा कल को चौराहे पर अस्थायी पुलिस टीके एवं पार्टी द्वारा पार्टी के बृहस्पतिवार को ज्यादा कारोबारी काम होने के कारण लूट आदि से मानाएं बनी रहती है।